ये अच्छी हल्दी लगी मुझे, नॉर्मल है भाई जी ना, जाने हल्दी है। कल लगन करेंगे आप, परसों ना बारात करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग में मेरा होने वाला है, ये सारे ब्लॉग्स अब तक ना हटके ब्लॉग होगा, क्योंकि आज है ना हल्दी है, और हल्दी में हम सब सारे बॉयज ना बहुत ज़्यादा ना मस्ती करते हैं। तो जैसे कि हल्दी में सिर्फ हल्दी खेलते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे कि उसमें ना बैदा भी खेलेंगे। ये हम लोग है ना, सब लोग ना काफ़ी टाइम से ना प्लानिंग चल रही है कि ऐसा कुछ है ना करना है। तो आज हल्दी में हम लोग बैदा भी खेलेंगे, और उसके बाद में ये कल लगन है। लगन मतलब मैं उतना अच्छे से ना एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा। लगन में क्या होता है वो आपको ना मेरे दूसरे ना ब्लॉग में देखने मिल जाएगा, और फिर थर्ड ब्लॉग में मैं आपको ना बारात दिखाऊंगा कि गांव में कैसा ना बारात मतलब करते हैं। तो सब मैं अभी क्या बता दूँ, इस ब्लॉग में आप ना एंड तक ना बने रहो, वो आप लोगों को भी पता चल जाएगा, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ना मज़ा आने वाला है। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। या सर ऊपर ही करते सीधा। ऊपर ना ऊपर। अरे ज़ूम कर देता हूँ। हाँ मालूम है, मुझे समझ रहा हूँ उसके बाद में इसको ज़ूम करता हूँ ना, खाली फोकस। सिर्फ फेस पे आ गया, लगाना फेस पे, सिर्फ फेस पे। ये आपने अच्छी हल्दी लगी मुझे, नॉर्मल है भाई जी ना, जाना हल्दी है। कल लगन करेंगे आप, परसों ना बारात करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए ये भाभी, ये भाला हंसो, यहाँ पर सिंह चालू हो गया, ये गोफरा ने स्टार्ट किया क्या, माथा खाली रहेगा खाली, बस आप पूरा जगह भर रहे हैं। यहाँ देखो नीचे से भी खाली है, अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर भर दो, ऊपर। ये एक नंबर हो गया। A few moments later. कैसा मजा आया भाई, ये क्या गुंडा बनेगा रे तू। शेरू भाई का नहीं, बहुत चोर का कोई मारा मेरे को, ये वो मार है पहला वाला की दूसरा वाला दो पड़ी है, ये शेरू मारा नहीं है, तू मारा दो फुट है। नदीम भाई किधर गए, नदीम भाई अंडा लाने गए, नदीम भाई हो जाएगी अरे यार
क्या यार वो अंडा बेच के आई ऊपर गाड़ी लाई लेकिन गाड़ी दे लेके आई कटरे लाई पांच दो टीरे क्या एक टीरे उनके थी नहीं ना ये बात मुल्ला की मैच नहीं खेला भाई ये नदीम भाई ना भागो अरे ये अंडा वाला नहीं हो रही अभी नहीं बात दो अंडा बेकार किया एक भी फोड़ नहीं पाया सब बेकार अभी मैं फोड़ रुको देना भाई दिया तो एक हाथ में लिए तो क्या होगा ये मेरा भाई मुझे हल्दी दे रहा है मेरे को भी नहीं होगा अरे मामू का चेहरे एकदम क्लीन हो गया है इधर देखो अरे अब तो धो दिया है तो हम इसको नहीं धुल रहे हैं 500 दे थोड़ा लगा लूंगा अभी दुकान पर सलमान से मंगा लेंगे अंडा अच्छा तो आज रात में अंडा ही फूटेगा मुर्गी फार्म में आ गए बहुत अंडा मुर्गी ले जाते ये देखो ये अरे ये इधर देखो इधर ये सबसे जितना हम लोग नहीं खेलेंगे उतना तो मेरा भतीजा खेल लिया अंडा मेरे को भी लग रहा है तो फिर हल्दी खेलेंगे ना अपन हल्दी खेलते और क्या भाई इतना तो बनता है इतना तो बन ये एक फोटो खींचे भाई ले अरे वो गया एक छुड़का मिलका लगाओ लगाओ दवाई के लगाओ हाँ लटाओ हाँ ला दिखाओ ये हाथ में लगाओ आयोडेक्स वाला फिर ठंडा लग रहा है मजा आया सर आ जा एक फोटो लो हाँ बस अभी हमने नहा लिया लगेगा ये सरुमा को ये ले
ये एक नंबर अभी तो मस्ती सुनी और ना हाँ। ये नदीम भाई गए बहुत सही स्वागत अच्छा बढ़िया अगर अपन अभी नहा लेंगे तो सूखेंगे सर हाइड्रोवॉशिंग में लेके आए गोलू का वैसा दे लेके आएगा और अंडा ये आराम से फोड़ो भाई अंडा अंडा आराम से फोड़ो आधा ट्रे फूटा होगा जाओ अंदर जाओ कल से बहुत बार दिखेंगे अभी और अंडा फूटेगा अभी और फूटता अभी अभी लेके आ रहे वो लेके आ रहे अंडा लेके आ रहे टेंशन मत लो अभी लेके आओ वो गए ना गाड़ी लेके उनसे मंगा लो धरे से जो आए थे ना तुमको छोड़ के गए वो तो बड़े धरे से आ रहा हूँ मैं ये नदीम भाई अच्छी बात है कि यहाँ पर ठंडी नहीं है मुझे ठंडी ये अबे दो अंडा वीडियो बहुत अच्छी बनी है ये फूटा ये आता तो ये वो फूटा है अरे ये ये फेंक के ना मारो बोल रहे हो फेंक के मारोगे तो लगेगा नदीम भाई को लगा अभी नदीम हाँ हम लोग जितनी मस्ती करें ना अभी मैं बोला ये तो खेलेगा नहीं अरे बाबू तो एक बात आसाद तो मारे नदीम भाई को पेट पे लग गया लाल पड़ गया इसलिए बोल रहा फेंक के मत मारो आराम से मारो हाँ इसको पकड़ पकड़ आसाद भाई की लड़की ये अच्छा यही फोड़ी थे मैं भी एक सलमान नहीं फेंक के ना मारो नहीं लगेगा बोल रहा हूँ कसम से तुम्हारा
पीछे से और भी रास्ता है क्या? हाँ रास्ता है, यहाँ से है रास्ता जाने का। उधर भी उधर ऐसा है क्या? अब कोई के पढ़ नहीं रहा, फोकन में अंदर नहीं, नहीं मैं दो बार धुल चुका अपने आप को। सिलो सिलो पीछे लगा भाई ना। हाँ। सिलो तो पीछे लगा यार। सुनो तो दादी, एक अंडा लिया, दो अंडा लिया, एक एक हसना चाचू, अभी तो बनाया एक मिनट हुआ। मैं बोला लो और एक खींच के मारो। ये अभी मत कर, हम लोग सब लोग हो जाएंगे साथ में, क्योंकि अभी और बेटा आ रहा है। तुम करो तो ये भी ना बात सामने चले यार, अरे बहुत दूर है। खबर मिली है कि और भी वो लेके आ रहे, मेरे ऊपर आधा ट्रिप हो रहे लोग, आधे से ज्यादा 30 अंडे पड़े। लेकिन बाबू तो गलत है, एकदम साइड में आओ, थोड़ा मिल के बातचीत करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग ना बैदा फोड़ के हो गए हैं। ये गांव में हम लोग ना हल्दी है ना ऐसे ही खेलते हैं, तो आज हल्दी थी, हम लोगों ने हल्दी ना अभी खेल लिया है और बॉडी से काफ़ी ज़्यादा नहाने के बाद ना बास आ रही है बैदे की। अभी वापस से मुझे लगता है वापस नहाना पड़ेगा, क्योंकि ना एक तो ठंडी का महीना चल रहा है, ठंडी बहुत है, सबकी हालत ऐसी ख़राब है, कब कभी तो छाई है। अभी वापस नहाना पड़ेगा क्योंकि बास तो जा नहीं रही है। ये भी बहुत खेला है हल्दी खेले तुम कि बैदा फोड़े, सिर्फ हल्दी खेले इसके लिए तुम बच गए हो। हम लोग दोनों खेले हल्दी और बैदा दोनों भी है, और कल है ना लगन है, लगन मतलब वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो क्या होता है मैं कल दिखाऊंगा, क्योंकि गांव में ना लगन बोलते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो मैं कैसे बताऊं, हाँ नहीं वलीमा नहीं सलमान, लगन मतलब लगन बोले तो हाँ। अरे मुंबई में आप लोग क्या बोलते हैं? तो इसको लगन क्या बोलेंगे, लगन क्या बोलेंगे, लगन मुझे नहीं पता क्या बोलते, लेकिन जो भी है ना मैं दिखाता हूँ। ये तब है ना यहाँ गांव में ना लगन बोलते हैं, वो लगन में ना डीजे आएगा, बम फोड़ेंगे, पूरे गांव में घुमाएंगे डीजे को, और कुछ होता है चावल वगैरह जो है ना आगे रखते हैं और उसको लेके पूरा गाँव घूमते हैं। ये गाँव का ना रसम है, वो कैसा होता है वो मैं कल दिखाऊँगा। रसम बोलते हैं, वो भी एक रसम है, और वो रसम क्या है वो आप लोग देखने मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगी ठंडी, तो बाय।